पंजाब से ड्रग्स को जड़ से खत्म करने की कसम खाने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि सूबे में नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ने की मुहिम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक ड्रग्स से जुड़े 497 लोगों को पकड़ा जा चुका है और इसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जिस पर लोग लगातार संपर्क साध रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से पंजाब की जनता को भरोसा दिया है कि पंजाब से ड्रग्स पूरी तरह से खत्म होगा और वो 4 हफ्ते में ड्रग्स खत्म करने के अपने वायदे पर खरा उतरेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी तक ड्रग्स से जुड़े बड़े बड़े 497 लोग पकड़े जा चुके हैं। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 118 शुरू किया गया है, जिसमे 2 दिन में 240 कॉल्स आई है और असी एक हेल्पलाइन लाई सी। पिछले 2 दिन ये हेल्पलाइन होनी चली है। 240 बंदियां दा टेलीफोन आया है जो पुलिस नूं दस रहे ने कि कौन वड्डे ने किथे लुके हुए ने सब कुछ, ताकि असी एक्शन चला सकिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक तरन तारण और अमृतसर सबसे ज्यादा ड्रग्स की समस्या से जकड़ा हुआ है। टिप ऑफ ज्यादा आई है पुलिस नूं वो तरन तारण ते अमृतसर, वही जिथे पहला चल रहा है। नशे ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करता, चिट्टे ने और दूजे ने हेरोइन ने, उस काम ते असी लगे हुए हैं। कैप्टन के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर मध्य प्रदेश राजस्थान से पंजाब में नशा आता है, जबकि चिट्टा पंजाब में बनता है जो सबसे ज्यादा घातक है। जगह तो आंदा एक तो सरहद पार तो आंदा है और हेरोइन वगैरह जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और इधर एक मध्य प्रदेश और राजस्थान के उगाते हैं और बेचते हैं, वो भी साढ़े पंजाब पहुँचना है। और तीसरा जोड़ा है चिट्टा चुट्टा तो कैमिकल ड्रग्स ने तो उत्थे बनाते हैं पंजाब के, असी बिल्कुल यदा तोड़ा असी। गौरतलब है कि पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से सत्ता में आने पर 4 हफ्तों में पंजाब से ड्रग्स खत्म करने का वादा किया गया था। अमरिंदर सरकार ने बड़े स्तर पर ड्रग्स और नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और पंजाब में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।